बरेली में रामगंगा का जल स्तर लगातार तीसरे दिन भी बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों हुई बारिश और कालागढ़ डैम से पानी छोड़े जाने के बाद से रामगंगा उफान पर चढ़ने लगी है। अब इसको लेकर प्रशासन तराई के इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है, तो वहीं खुद भी अलर्ट में है। बरेली सदर तहसील के नायब तहसीलदार ने बाढ़ को लेकर डेली इंसाइडर से बताया कि अभी नदी का जल स्तर डेंजर जोन के आसपास चल रहा है। अगर ये खतरे के निशान को पार करता है तो ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पहुंचाकर उनके जान माल की सुरक्षा की जाएगी। एक्चुअल में रामगंगा का जो जल स्तर है तो उसका जो एक डेंजर जोन है उसके लगभग कल से चल रहा है उसके आसपास में, तो अलर्ट लखनऊ से जो उनका कमांड सेंटर है वहाँ से मिला था। तो उसमें ये प्रथम दृष्टा ये था कि मुरादाबाद से जो पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और वही पानी बरेली में आके लगातार उसका भी जल स्तर बढ़ रहा है। तो गैनी और आसपास के सूदनपुर गांव में और ये आमला का जो बल्लिया क्षेत्र है वहाँ तक पानी की लगातार निरंतर उसमें बढ़ोतरी हो रही है। उसको दृष्टिगत रखते हुए कल हमारे पास आदरणीय जिला अधिकारी महोदय का कॉल था कि आप जाएं और क्या सिचुएशन है उसको मॉनिटर करें। तो हम लोग पूरी तहसील प्रशासन की टीम कल वहाँ पर थी और हम लोगों ने आसपास के जो गांव थे उनके प्रधानों के साथ बैठक करी, उसके साथ ही जो वहाँ के रजिस्टर्ड गोताखोर थे उन सब के साथ में बैठकर पूरा एक सिचुएशन का जायज़ा लिया। हमारे EDM एफआरसर उसमें गए थे और EDM एफआरसर के निर्देशन में पूरा जो बाढ़ के प्रिकॉशन के लिए जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेशन और SOPs जो होते हैं उसको उसमें हम लोगों ने लागू किया है। आसपास के गांवों को जहाँ जहाँ पानी जल स्तर बढ़ने की संभावना है उसको खाली कराया जाएगा। अगर सब आवश्यकता पड़ी महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अभी भी हम लोग लगातार उस पर मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होगी वैसे ही जो आगे के जो प्रिकॉशंस हैं उसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। सिंचाई विभाग जो है वो इसको लेके अपनी हर सालाना एक रिपोर्ट अपना प्रस्तुत करते हैं। वो लोग प्रयास भी करते हैं, तटबंधों में जहाँ जहाँ शिथिलीकरण है उसको मजबूत करने का भी प्रयास करते हैं और उनका लगातार काम चल रहा है। नहीं, जो भी आवश्यक जो कार्रवाई करनी होगी डिफरेंट विभाग्स को वो कार्रवाई की जाएगी उनके द्वारा, और ऐसा कोई भी अगर तथ्य सामने आता है तो उसको इंटर जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है वो अपना कर लेगी। उसको बिल्कुल सतर्क रहें और आपस में संपर्क बनाए रखें, जो बाढ़ खंड वाले गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं उसका अच्छे से पालन करें और कम्युनिटी इस समय बहुत मजबूत होनी चाहिए, आपस में सहयोग समन्वय रहना चाहिए, उसी के आधार पर हम लोग इसको पार कर लेंगे। फिलहाल तो नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, फसलें जलमग्न हो गई हैं और नदी का पानी गांव की तरफ रुख कर रहा है। अब देखना अहम होगा कि पानी और ज्यादा बढ़ेगा या फिर लोगों को राहत पहुंचाएगा। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से रंजीत पिसारिया की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।